हाय एवरीवन, तो इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग और हम लोग निकल रहे हैं कोहली हिल्स के लिए। कोहली हिल्स इज 250 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। कोहली हिल्स में ऐसा एक फॉल और ज़्यादा कुछ घूमने का है नहीं, बट द रोड इटसेल्फ इज़ फैंटास्टिक। देर इज 70 हेयरपिन बेंड्स है, सो इट्स गोना बी अ नाइस ड्राइव। वीकेंड ड्राइव है और आज जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे टेक्स रेपे का फ्रेंड्स के घर पे। सो सी यू। So if you are a rider, bike, car, doesn't matter, Kohli Hills is one of the most common and most exciting destinations that you can go around from near Bangalore. Being in Tamil Nadu, one thing you can always be certain of is amazing roads. So this is National Highway 44, India ka longest running highway hai. It connects Jammu Kashmir to Kanyakumari. And if I'm not wrong, Tamil Nadu mein it runs for the highest number of kilometers overall. तो हमारे घर से दिस प्लेस, दिस इज़ मुर्गन इडली, बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट प्लेस है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट राइड्स के लिए बहुत लोग आते हैं। सो आवर प्लान वाज कि हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, बट क्राउड को देखते हुए वी चेंज्ड आवर प्लान। एटलीस्ट 40 से 45 लोग वेटिंग में थे यहाँ पे, तो वी डिडंट वांट टू वेट। So we decided to have a breakfast in Sarvana Bhavan. So breakfast करने के बाद we started again. रास्ता बहुत ही straight forward था। बैंगलोर से हम लोग के घर से आपको होसूर से होते हुए कृष्णगिरी के थ्रू यू विल गो टू सेलम, एंड सेलम से कुछ 20-30 किलोमीटर्स पे एक लेफ्ट टर्न आता है विच विल टेक यू टू कोहली हिल्स। इस रोड की स्पेशलिटी एटलीस्ट ये है कि हम लोग को बहुत ही गॉर्जियस सीनरी दिखती है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। दिस इज एक्चुअली द टर्न दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। सेलम से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 किलोमीटर्स के बाद आता है ये वाला टर्न। इसके बाद वी लीव नेशनल हाईवे एंड स्टार्ट ऑन टू द विलेज रोड्स। If you are not already impressed with the road, just take a look at this. ये एक village road है, this is definitely not national highway and I'm pretty sure this is not a state highway also. Village roads हैं, but look how gorgeously laid they are. सामने शायद कोहली hills है, but the overall scenery is just amazing. The best part of riding is this. So we start our ascent to Kohli hills. Trust me, you would want to enjoy this view. Being a Saturday, there were a lot of riders, as you can see. काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी थी, पता नहीं कितने लोग स्टे करने जा रहे थे, लेकिन ऊपर चढ़ने वाले लोग तो बहुत थे। The road continued to be good, even during our ascent to Kohli Hills. कोई पॉट होल्स नहीं थे रोड पे, कुछ कुछ यू टर्न्स और कुछ कुछ हेयर पिन बेंड्स थे विच वर वेरी स्टीप, और रोड भी पतला था, बट मोस्ट ऑफ द टर्न्स वर ओके। If you are a new rider or if you are driving in a car, this should not be your first ghat section. Kahin aur pe practice karo, then come on Kohli Hills, you will be perfectly fine. So there is an unsaid rule on any ghat section ki aap upar jane walon ko hamesha way do, but when you are on a highway aapko har type ke driver milte hain, so please make sure ki aap aaram se chalao gaadi, especially in the ghat section. जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे, इट स्टार्टेड गेटिंग डार्कर, क्लाउड कवर था पूरा, बट जस्ट लुक एट दिस, लुक्स गॉर्जियस। हेलो, सो हम लोग अभी आधा घंटा पहले पहुंचे थे। ये हमारा होटल है और ये है हमारे होटल से व्यू। इट इज़ कॉल्ड NPS लेक व्यू होटल। एकदम सिंपल सा होटल है
और क्योंकि हम लोग को भयानक भूख लगी हुई है और लंच यहाँ ख़त्म हो गया है, तो हम जा रहे हैं शहर की तरफ। खाने के बाद का प्लान था अगया गंगई वाटरफॉल्स जाने का, बट इतना सारा क्राउड था, एटलीस्ट देयर वर 3 to 4 बसेस लोगों से भरी हुई, बीइंग अ सैटरडे एंड बीइंग अ लॉन्ग वीकेंड, तो इट वाज क्रेजी एंड ऑब्वियसली नो वन वाज वेयरिंग अ मास्क। सो वी डिसाइडेड टू कट शॉर्ट आवर ट्रिप। वापस जाते टाइम वी सॉ गॉर्जियस सनसेट एंड वी हेडेड बैक टू आवर होटल। सो यू वेक अप टू दिस गॉर्जियस व्यू ऑफ द लेक। Hi everyone, so we are ready to head back to Bangalore. तो resort was decent, मस्त नींद आई एकदम। तो 2000 रुपये के resort में what you can expect is a decent bed, वो हम लोग को मिला, अच्छा गर्म पानी वो हम लोग को मिला, and on demand tea and coffee, तो that was also not a problem. नीचे उतरते टाइम काफ़ी क्लियर था स्काई, क्लाउड्स एकदम नहीं थे, तो इट वाज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ फोटो ऑप। सो एज़ वी हेड बैक, हम लोगों ने सोचा कि तमिलनाडु में हैं जब तक तब तक खाना खाना ही है और यहाँ की चाय तो पीनी है। गौर से देखिए इस औरत को, यह चटनी पूड़ी से पड़ी है। So if you like our videos, please hit like, share and subscribe to our channel and press the bell icon for notification.